सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत का फल और समस्या का हल, देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहें। किस्मत के पन्ने वही पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करूं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। आज का पंचांग 15 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 10:09 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र शाम 4:08 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:06 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 15 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, कोई अप्रत्याशित लाभ आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा कोई विरासत में मिला धन या भोजन का निमंत्रण इत्यादि। अगर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपके मन में है तो आध्यात्मिक धार्मिक दर्शन लाभ देगा। कुछ बड़ी योजनाएं शुरू होने वाली है और भगवान ने आपके लिए कुछ अलग और बड़ा सोच रखा है। इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे। आपकी ऊर्जा एवं विचारों को नई खोज और अच्छे दृष्टिकोण का प्रतीक है। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहती हैं, वो हमेशा खुश रहती हैं। आज के दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच कर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए हैं तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। आज होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधित नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी। आप खुद को ऊर्जा से भरे महसूस करेंगे लेकिन काम का बोझ आप में खींच पैदा करेगा। अगर आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है, आज आपको बजट प्लान करने की आवश्यकता है। इससे आपकी कई परेशानियाँ दूर हो सकती है। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेंगे। आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते रोमांस को दरकिनार होना पड़ सकता है। निर्णय लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। अपने कनिष्ठ सहकर्मियों की बात पर गौर फरमाएं। ऐसे बदलाव लाएं जो आपके रूप रंग में निखार ला सके और संभावित साथियों को आपकी ओर आकर्षित करें। आपका जीवन साथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में भी लगा सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपने कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो वह अभी पूरे होते दिख रहे हैं। आपको किसी को बिना बताए सलाह देने से बचना होगा। घर के रखरखाव और व्यवस्था संबंधित गतिविधियों में भी दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा और आपके कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। संतान की वजह से भी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कोई सरकारी कार्य संपन्न हो सकता है। तय किए गए टारगेट पर ध्यान दें, तभी लोगों की आलोचनाओं को महत्व न देकर केवल काम पर ध्यान दें। काम की गति धीमी रखें, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता न करें। परिवार के लोगों को अपना पक्ष समझाएं। फिलहाल जरूरी निर्णय अकेले ही लेने की कोशिश करें। करियर आगे बढ़ेगा। अपेक्षा के अनुसार अवसर भले ही न मिले, लेकिन आर्थिक समस्या दूर करने का रास्ता मिलेगा। पार्टनर के साथ संयम से रहें, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनने दें। सावधानियां, लोगों के साथ में मुलाकात करते समय अपनी व्यवहार को संयमित रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। बहुत अधिक सोच विचार करना व उसमें समय लगाना आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की।
आपके ग्रह बता रही हैं कि अभी प्यार का नशा आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अपने रिश्ते को रहस्य न बना रहने दें, बल्कि अपने परिवार को इसके बारे में बताएं। सब कुछ आपके मुताबिक होगा। अगर सफर करने का सोच रही हैं तो उसमें हड़बड़ी की संभावना है। भविष्य की योजनाओं को साथ बनाएं और विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। अपने साथी के लिए आज आपकी भावनाएं उग्र हो सकती है। नए नए प्रयोग करने के लिए भी यह दौर बढ़िया है। प्यार में नए प्रयोग मतलब है नया अनुभव, इसीलिए तैयार हो जाएं नए संसार के लिए। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जिससे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करती। इसे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे लेकिन खुश होंगे। लंबी रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। बात करते हैं करियर की। आज आप काफी मेहनत के साथ भागदौड़ करेंगे परंतु उतना संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा। दिल छोटा ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती। आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, जैसे कि आप योजना और संधि बनाकर आगे बढ़ सकती हैं। नया क्रय कार्ड ना बनवाएं। कार्य में आज आपको भरपूर सराहना मिलेगी। यह वक्त हर दुख या दोष को भूलकर अपनी कौशल को विकसित करने का है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें क्योंकि यह आपकी अच्छी कर्मों के लाभ उठाने के लिए एक शानदार चरण है। सावधानी से यात्रा करें क्योंकि सफर में गड़बड़ी की आशंका है। आपकी योजनाएं आपको बड़े परिणाम देने वाली है। परिवार, दोस्तों और अन्य लोग भी आपकी सहायता करेंगे। दिनचर्या में परिवर्तन आने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों खर्च हो सकती हैं। आज आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। कार्य क्षेत्र में अंदरूनी व्यवस्था में परेशानियां आ सकती है। सभी कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। ध्यान रखें कि बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा रोक टोक से स्टाफ परेशान हो सकता है। बात करती है सेहत की। आपने एक नया वर्कआउट अजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको इसके लिए काफी कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। आपके कदम कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर रही हैं। आप किसी नई हॉबी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे। आज के दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजन भी करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।